हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरी विल बी ओके। ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, बेसिकली क्लास 6 NCERT, और जिसमें बेसिकली हम प्रीवियस वीडियो की तरह ही कीवर्ड पे फोकस करेंगे। ये थोड़ा हमारे बारे में है। बेसिकली इस आई ऑलरेडी मेंशन दैट आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस GS सेक्शंस एंड आल्सो स्पेशली इन ज्योग्राफी। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट अवर लेक्चर थर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोशन ऑफ द अर्थ। बेसिकली देखो, यूपीएससी में क्या, यूपीएससी एंड सिविल सर्विस में क्या होता है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है रोटेशन। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है रोटेशन, रोटेशन बेसिकली होता क्या है, यही हमें सोच समझना है। रोटेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये जो अर्थ है ना, हम आई जो अर्थ है जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे, उसे रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। जैसे ये ट्वेंटी, हम सबको पता है कि 24 आवर में ये अपने अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेती है, बस। रोटेशन इज रोटेशन, सो सिंपल। यही रोटेशन की सिंपल डेफिनेशन, यही हमें याद रखना। दूसरा कीवर्ड देखिए, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन बेसिकली ये क्या होता है, जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ है, पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ है, पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ है, पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ, तो इसे रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये कितना होता है, ये कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली होता है 364 1/4 डे, ठीक है, डे। या मान लीजिए 364 डे और 6 आवर, ठीक है, 6 आवर। नेक्स्ट अभी लीप ईयर का कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड देखिए, ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान क्या होता है, थोड़ा डायग्राम में हम देख लेते हैं ऑर्बिटल प्लान होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, एक इमेजिनरी 0 डिग्री लाइन है जो कट कर रही है, तो ऑर्बिटल प्लान बेसिकली क्या होता है, इसको हाफ हाफ काट देता है। जैसे वाटर मेलन लीजिए, उसे चाकू से हाफ हाफ काट दीजिए, तो जो एक्सिस होगी वो ऑर्बिटल प्लान बन जाएगी। अब देखिए, दो कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं। इसका जो एंगल होता है ना, इमेजिनरी नॉर्थ साउथ पोल लाइन, ठीक है, ये इससे 66.5 होता है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है ना, उससे सिर्फ 23.5 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड देखिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अर्थ का केवल हाफ ही पोर्शन विजिबल होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये सन है, तो इतना पोर्शन ही विजिबल होता है, इसी को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ लार्जेस्ट लाइन इज बेसिकली पर्टिकुलर, मान लीजिए डायमीटर टाइप होती है, ठीक है, जो बिल्कुल हाफ हाफ में काटती है, ठीक है। अब हमारे देखिए, रोटेशन कीवर्ड हो गया, रिवोल्यूशन कीवर्ड हो गया, ऑर्बिटल प्लेन पे कीवर्ड हो गया, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, ठीक है। मूव ऑन, देखिए अब थोड़ा इसका रिवोल्यूशन का थोड़ा हम बिगर पिक्चर पढ़ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम शुरू करते हैं बेसिकली समर इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो बेसिकली वो कब होती है, मार्च में, ठीक है, स्प्रिंग, जो ये लिखा 21 मार्च यहाँ लिखा भी है, ठीक है। इस समय क्या होती है, जो सन की रेज, यहाँ अच्छे से सो नहीं किया है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो सन, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन मास है, ठीक है, ये शन मास है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, तो इसकी लाइन नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऐसे, यानी कि परफेक्ट सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेशन सर्कल बनता है, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो यानी इस समय क्या होते हैं, जो डेज होते हैं ना, वो डेज होते हैं 12 आवर, और जो नाइट होती हैं वो भी होती हैं 12 आवर, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 21 जून क्या होता है, बेसिकली यही कंसेप्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली इधर देखिए, 21 जून को बेसिकली इसमें देखिए, हाँ, 21 जून को क्या होता है, बेसिकली जो सन होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है सन की पोजीशन, तो उससे क्या होता है, ये देखिए, जब यहाँ पे होगा तो ये पूरा नदन पार्ट कवर कर लेगा अपनी रेज से, और यहाँ की इसकी मैक्सिमम रेज यहाँ तक जाएंगी, यानी कि सॉरी यहाँ तक जाएंगी 66.5, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल तक। थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ थोड़ा कह सकते हो कि थोड़ा मैस्ड अप हो रहा है, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और
ये मान लीजिए इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, और वही जो होती है ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 23.5 है, और ये मान लीजिए 23.5 नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है, ठीक है, ठीक है। जब ट्रॉपिक समर सोलस्टिस होता है तो सन की पोजीशन यहाँ पे होती है, ठीक है, ठीक है, और जब विंटर सोलस्टिस होता है तो सन की पोजीशन ये होती है। तो सन बेसिकली क्या करता है, इतना अपरेंट मूवमेंट चलता है, 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, यानी कि लगभग 47 डिग्रीज का अपरेंट मूवमेंट होता है, और उसी के कारण बेसिकली समर सोलस्टिस विंटर सोलस्टिस होते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हम अगली नेक्स्ट 7th 8th NCERT में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना समझ लीजिए। तो ये हो गया, अब आ जाओ ऑटम पे। तो ऑटम पे वही सिचुएशन हो जाती है, यानी कि 12 आर के डे जो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली जो नदम हेमिस्फेयर है, जो नदन हेमिस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे डेज लॉन्गर होते हैं, डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्ट शॉर्ट होती हैं। अब जब और इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जो बेगी जो सन की पोजीशन है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चली जाती है, ठीक है। यही देखो इसमें डिटेल में बताया, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया 21 को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की पोजीशन होती है, ठीक है। उसके क्या लड़का होता है, जो नदन लार्ज पोर्शन नदन हेमिस्फेयर में होता है, तो यानी कि नदन हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जो डेज होते हैं वो बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। 21 जून को इसी को हम समर सोलस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इसकी पोजीशन हो जाती है सन की, तो क्या होता है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर को कवर कर लेता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर को कवर कर लेता है, इसकी हम विंटर सोलस्टिस करते हैं। लेकिन 21 मार्च एंड 23rd इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होती है, इक्वेटर पे, इसीलिए इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ का होता है डे एंड नाइट बराबर होते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाइए, दस यू, हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये की वर्ड है, देखिए ये देखिए लाइन देखिए, दस यू फाइंड दैट यर डेज एंड नाइट एंड चेंज सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो डे एंड नाइट, सॉरी डे एंड नाइट में जो चेंजेज होते हैं, सॉरी जो डे एंड नाइट में चेंज जो डे एंड नाइट में चेंजेज हो सॉरी चेंजेज होते हैं वो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों के कारण होते हैं। बस ये की वर्ड है पूरे लेक्चर का, ये की वर्ड है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक कंसेप्ट अंदर और छूट गया है, उसको हम बात कर लेते हैं, बेसिकली लीप ईयर, लीप ईयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेप्टिकल ऑर्बिट कुछ नहीं होता, देखिए इलेप्टिकल ऑर्बिट कुछ नहीं होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट जैसे ये जो सन है ना अर्थ के जिस सॉरी अर्थ सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है ना, उसी को जिस ऑर्बिट में लगाती है उसका जो शेप होता है वो इलेप्टिकल होता है, नॉट अ सर्कल, ठीक है। अब आइए लीप ईयर, हमने पढ़ा था ऊपर, अब डिस्कस किया था कि अर्थ पूरा चक्कर लगाती है सन के 364/4 डे, ठीक है, और मान लीजिए 364 या 6 आर, ठीक है, तो ये 4 ईयर में कितना हो जाएगा, ये 24, यानी कि 24 आर, यानी कि फुल 1 डे, ठीक है। तो जो 4 आर जो नेक्स्ट 4 ईयर जो नेक्स्ट 4 साल बाद होगी वो होगी लीप ईयर। लीप ईयर में सिंपली क्या होता है, जो डेज होते हैं ना वो 366 होते हैं, और फरवरी होती है ना, जो फरवरी बेसिकली क्या होती है, रेगुलर फरवरी होती है 28 डेज की, लेकिन लीप ईयर में जो फेब होती है ना वो सॉरी जो फेब होती है वो 29 डेज की होती है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो देख लेते हैं, बेसिकली हमने ऑल कीवर्ड इस वीडियो के कवर कर लिए हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है बेसिकली, इसके जो सर का जो सॉरी जो सन जो अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में मूवमेंट है, किस तरीके से विंटर समर सोलस्टिस स्प्रिंग एंड ऑटम इन सब में रिवॉल्व होता है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, रिवोल्यूशन रोटेशन
सर्किल ऑफ एलिमिनेशन, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन या ऑर्बिटल प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टेट सर्विसेज में, इवन यूपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अब तो और चांसेस हो गए, क्योंकि असरसन रीजनिंग में बहुत अच्छे ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। सो आई होप यू लाइक वी आई होप यू विल लाइक वीडियो, एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दैट विल बी मोटिवेशन फॉर अस फॉर फर्दर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।